साथियों सादर प्रणाम, मैं हूं गोपाल बोगना। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल उत्तराखंड हिमालय ब्लॉग में। साथियों कल के वीडियो में मैंने दिखाया था कि किस तरह से मैंने यहां पे जैविक खाद तैयार की है पत्तों से, और उनसे जो पौधे तैयार हो रहे हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं जो इस प्रकार हैं। तो साथियों जैविक खाद से मैंने जो पौधे तैयार किए हैं अपने घर के आसपास गमलों में, एक छोटी सी जगह पर जो पौधे मैंने लगा रखे हैं उनमें सारे जो खाद प्रयोग की हुई है वो सब पत्तों से और सब्जी के डंठलों से की हुई है, और उसका नतीजा है कि मेरे जो पौधे होते हैं वो सदा हरे भरे होते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं गुलाब के पौधे हैं, फूल के पौधे हैं, सारे ये गमलों में लगा रखे हैं। जबकि इस बार पाला भी काफ़ी गिरा लेकिन फिर भी ये पौधे बिल्कुल हरे भरे हैं। ये देख सकते हैं तुलसी का पौधा है, गुलाब के पौधे हैं, गुलाब भी इस मौसम में खिला हुआ है जबकि सर्दियों में यहाँ पे गुलाब खिलता नहीं है। देखो पत्ती भी पतझड़ नहीं हुई क्योंकि इसमें बिल्कुल जैविक और पोषक तत्वों वाली खाद डाल रखी है। और इस तरफ ले चले तो ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर पौधे बिल्कुल हरे भरे सब जैविक खाद से तैयार किया हुआ है। ये गुलाब भी है, इनमें बड्स आनी शुरू हो गई हैं, आप देख सकते हैं बहुत जल्दी। ये सब जैविक खाद का कमाल होता है और पौधे इस प्रकार से हरे भरे हो रखे हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। और यहाँ पर एक विशेष प्रकार का गुलाब भी लगा रखा है, ये झाड़ी नुमा होता है और इसमें कांटे नहीं होते, इसमें छोटे छोटे पौध ये फूल आने शुरू हो गए हैं, देख सकते हैं आप। बड़ी ही बड़ा ही प्यारा फूल होता है इसका, और ये देख सकते हैं आप, और आप देखते रहिए। तो साथियों आपने देख लिया कि जैविक खाद से जो तैयार किए हुए पौधे थे, और अब मैं आपको अपने पोली हाउस फार्म के अंदर ले जा रहा हूं, और वहां पर मैंने जो सब्ज़ी के जो डंठल थे, जो बची हुई सब्जियां जो फालतू होती हैं उनके डंठल कूड़ा करकट उसको इकट्ठा करके उसकी किस तरह से हम पोली हाउस के अंदर जैविक खाद तैयार कर रहे हैं वो आपको दिखा रहे हैं। आप देखते रहिए और वीडियो को सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो साथियों हम अपने पोली हाउस के अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पर सब्ज़ी के जो डंठल होते हैं किचन से जो हम सब्जियां रोज़ यूज़ करते हैं तो उनका जो अवशेष बच जाता है तो उनका उन अवशेषों का किस तरह से हम यहां पर जैविक खाद तैयार कर रहे हैं तो आप देखते रहिए। तो साथियों आप देख सकते हैं यहां पर मैंने ये सारा जो अवशेष है ये गोभी के, मटर के और ये संतरे वगैरह के जो छिलके हैं सब इकट्ठे कर रखे हैं, और इनका हम किस तरह से खेती में उपयोग करते हैं वो आप देखते रहिए। और अभी तो ये कूड़ा है लेकिन कुछ समय बाद 15-20 दिनों में ये कूड़ा सोना बन जाएगा और खेती के लिए ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। और ये हमने यहाँ पर सूखी गोबर भी इकट्ठे कर रखी है, इन दोनों को जब हम मिला देंगे तो फिर इनसे जो जैविक खाद तैयार होगी वो बहुत ही सुंदर और पोषक तत्वों से युक्त होती है, और जब वो हम अपने खेतों में डालते हैं तो खेतों में बहुत अच्छी पैदावार होती है। तो साथियों अब हम जैविक खाद तैयार करने की विधि आपको बता रहे हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमने जो पहले बताया था कि सब्जी के सारे अवशेष हैं और ये गोबर है, तो इसको बनाने के लिए थोड़ा सूखा गोबर ले लेते हैं और उसको इस तरह से बारीक चूर के, ये आप देख सकते हैं इसको इस तरह से हम बारीक इनको चूर देते हैं, और फिर चूर के एक जगह में इकट्ठा करके फिर इसको मिलाना होता है इसके साथ। तो आगे हम क्या कर रहे हैं आप देखते रहिए। तो साथियों ये बन गया है, और इसके नीचे हमने केंचुए भी डाल रखे हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से केंचुओं द्वारा ये निर्मित जैविक खाद तैयार की जा रही है। ये विशेष प्रकार के कीड़े होते हैं जो लाल रंग के होते हैं, और ये मल्टीप्लाई भी बहुत जल्दी होते हैं, ये आप देख सकते हैं। और इनको हम इसके साथ इस तरह से मिक्स कर लेते हैं, देखिए गहरे में काफ़ी कीड़े हैं, ये इस तरह से हम इनमें कीड़े डाल देते हैं, और आप आगे देखते रहिए। तो साथियों ये जितना हमने यहाँ पे मटेरियल तैयार कर रखा है उसके लिए गड्ढा बनाना पड़ता है जो इस प्रकार से हम बना रहे हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारा मिट्टी बाहर निकालनी होती है इस तरह से, और फिर इसमें हमें ये सारा जो यहाँ पर तैयार है वो इसके अंदर डाल देना है। अब आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हमने इसमें ये इस तरह से इसके अंदर भर देनी है गड्ढे में, और फिर इसको अच्छी तरह से
ढक लेते हैं और 15-20 दिन में फिर ये सारा तैयार हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर केचुए भी हैं, वो अच्छी तरह से इसको खा के बिल्कुल बारीक बना देंगे। और ये देख सकते हैं आप, इस तरह से हमने इसको यहाँ पर इसको अच्छी तरह से इस तरह से हमने ठूस ठूस कर इसमें भर लिया है और फिर इसको मिट्टी से इस तरह से ढका लेते हैं। हमने मिट्टी से इसको अच्छी तरह से ये ढका लिया है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, और कुछ ही दिनों में यहाँ पर जैविक खाद तैयार हो जाएगी। और तो इस तरह से आप ये जैविक खाद हमने यहाँ पे ढका दी है और 15-20 दिन में ये तैयार हो जाएगी। तो साथियों, देखा आपने कि किस तरह से हमने अपने पोली हाउस फार्म के लिए जैविक खाद तैयार कर रहे हैं। हमें एक्स्ट्रा इसमें कुछ भी बाज़ार से लाने या कहीं और जगह से लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल हमने हमारे पास जो संसाधन है, हमारे किचन से जितना कूड़ा करकट सब्जियों के डंठल निकलते हैं, हमारे आसपास जो गोबर होती है उसका सदुपयोग करके हम किस तरह से यहाँ पे जैविक खाद तैयार कर रहे हैं और फिर अपने जो ये पोली हाउस फार्म है या अपना जो किचन गार्डन है, अपने जो आसपास पौधे हैं उनमें उनका प्रयोग कर रहे हैं। तो इसमें अतिरिक्त कुछ नहीं है, केवल थोड़ा समझदारी और थोड़ा सीखने की ज़रूरत होती है कि किस तरह से हम अपने जो हमारे आसपास संसाधन हैं जिनको जिनका हमें पता नहीं होता है, उनका सदुपयोग अपने निजी हितों में जैसे खेतीबाड़ी में या अन्य कार्यों में कर सकते हैं। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसे लगा, यदि अच्छा लगा कमेंट करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। सादर प्रणाम। जय उत्तराखंड, जय भारत।